दूसरा अध्याय उसका पहला पद से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवे फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। या जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतिकुस्त के दिन में, दिन के बारे में हम देख रहे थे। पेंतिकुस्त का अर्थ है, पेंतिकुस्त शब्दार्थ है 50वां दिन। फसह का पर्व के बाद 7 शब्द का दिन, उसका अगला दिन है पेंतिकुस्त का दिन। अब पहला फल का पर्व में जब एक पूला जो परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाते हैं उस पर्व में, या फसह का पर्व में परमेश्वर की उपस्थिति में एक रोटी चढ़ाते हैं, लेकिन पेंतिकुस्त का पर्व में 2 रोटी चढ़ाते हैं। 2 रोटी, पहला फल का पर्व में पूला, एक पूला जो मतलब जो गेहूं का जो खेत में पाया जाता उसको काट कर लाकर क्या करता है, उसको चढ़ाते हैं। इसका मतलब उस वक्त तक गेहूं अलग अलग है कि नहीं। हेलो, पहला फल का पर्व में जो पूला चढ़ाए जा रहे हैं उसमें गेहूं का दाना अलग अलग है, लेकिन जब रोटी बनाते तो क्या हो जाता है, गेहूं क्या करता है, पीसता है और क्या हो जाता है, एक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पेंतिकुस्त का पर्व में 2 रोटी चढ़ाए जाते हैं। 2 रोटी इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि एक प्रकार से अब दाना अलग अलग नहीं है, अब दाना मिलकर क्या हो गया है, एक हो गया। पेंतिकुस्त में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेले जाने के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति मसीह में एक बन जाते हैं। अब तक वे अलग अलग दाना था, लेकिन पेंतिकुस्त का पर्व में अलग अलग दाना क्या बन गया, रोटी बन गया। अब अलग अलग गेहूं का दाना है ही नहीं, वो सब क्या किया गया, पीस कर क्या बनाया गया, रोटी बनाया गया। इसका मतलब वो दाना एक बन गया। वैसा ही पवित्र आत्मा जब लोगों पर आ जाते हैं, कलीसिया पर आ जाते हैं, तब कलीसिया एक हो जाते हैं। और पेंतिकुस्त का पर्व में 2 रोटी क्यों चढ़ाए जाते हैं, विद्वान का अभिप्राय में उसकी व्याख्या ये दिया जाता है, एक रोटी यहूदी धर्म से आए हुए लोग जो एक बनाए जा रहे हैं और दूसरा रोटी अन्य जाति में से प्रभु में आए हुए लोगों को दर्शाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब पेंतिकुस्त के दिन में उतर आए थे तो उस दिन पवित्र आत्मा पाने वाले सबके सब यहूदी था, और पहला अन्य जाति जो पवित्र आत्मा पाया था वो कौन है, कुरनेलियुस, उसके घर में रहने वाले लोग, उस वक्त वहां जो इकट्ठे थे वे लोग। एक व्याख्या है कि जो 2 रोटी पेंतिकुस्त का पर्व में क्यों रखा जाते थे, कि एक वो अन्य जाति में से आए हुए लोगों को दर्शाते, दूसरा यहूदियों में से आने वाले लोगों को दर्शाते, जो अलग अलग दाना था मसीह में विश्वास करने के कारण क्या बनाया जाता है, एक बनाए जाते हैं। इसका प्रतीक में वो 2 रोटी चढ़ाए जाते थे, ये कहा जा रहे हैं। या अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद
40 दिन तक यीशु मसीह अपने लोगों को दिखाई दिया। 40वां दिन यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गया और उनसे कहा, तुम जब तक पवित्र आत्मा का नहीं आप सामर्थ्य नहीं पाएगा तब तक किसी नगर में ठहरे रहना। वे आकर तब से लेकर 10 दिन तक का प्रार्थना करता रहा। 10वां दिन पवित्र आत्मा उतर आया, अर्थात पिंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर आए। और उतर आए तो क्या हुआ वो उसके बारे में लिखा है। दूसरा पद, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें भटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आंट ठहरी। चौथा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन में प्रार्थना करने वालों पर उतर आया तब ही तीन बात वहां लिखा है। एक, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। दूसरा, आग किसी भटती हुई जीभ दिखाई दिया। तीसरा, जिन पर यह पवित्र आत्मा आया वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तीन काम क्या हुआ है? एक क्या आया? आंधी नहीं आया। कई बार हम सुन सुनकर ये हमारे मन में बैठा है, पिंतेकुस्त का दिन जब आया था आंधी आया आग आया, उस दिन आंधी भी नहीं आया आग भी नहीं आया। ये भी पादरियों का देन है। यीशु मसीह के देहने में बैठा हुआ जिसको लटकाया वो डाकू था, यीशु को ग्रहण किया जो कह रहा है वैसा ही ये आंधी और आग जो आया है ये पादरियों का देन है। वहां ना आंधी है ना आग है, वहां क्या लिखा है? आंधी का सा सनसनाहट का शब्द। इसका मतलब हुआ क्या है? शब्द हुआ है, आंधी नहीं आया। बड़ी आंधी चलने से जो आवाज होती है वो आवाज वो शब्द वहां हुआ, आंधी नहीं हुई। आगे, आग का सा भटती हुई जीभ, आग नहीं क्या है जीभ दिखाई दे रहा था। हेलो, दिखाई क्या दिया? जीभ दिखाई दिया। कैसा जीभ? आग का सा भटती हुई जीभ, आग का सा भटती हुई जीभ। वो कैसे है? मान लो यहां एक दिया रखा है, उसके सामने से धीरे से एक हवा ऐसा हाथ से आप मारे हैं तो क्या होगा? उसका बीच में क्या हो जाता है? हेलो, एक भटती हुई जैसा दिखता है, नहीं है? वाली कहा यह आग का सी भटती हुई जीभ दिखाई दिया। दिखाई दिया क्या है? जीभ है। हेलो, वो कैसे है? जब एक दिया पर हवा चलते वक्त वो जैसा भटते हुए दिखाई देता वैसा जीभ क्या हो गया? भटती हुई दिखाई दिया। वहां ना आग था ना आंधी था, शब्द जरूर था। शब्द इतना अधिक था, बड़ी आंधी का सा सनसनाहट का शब्द सा था, यह सुनकर लोग वहां इकट्ठा हुआ था। और उतना ही नहीं, आग किसी भटती हुई जीभ। ये क्यों जीभ ऐसा दिखाई दिया? जीभ किस बात के लिए है? बात करने के लिए, भाषा बोलने के लिए। आप जो भाषा जानते हैं वो बोलने के लिए है। कौन सा? जीभ। हेलो, जीभ नहीं है तो शब्द निकलेगा क्या? नहीं है। जीभ से हम बातें कहते, शब्द का उच्चारण करता है। वो कैसे हो गया? भटती हुई हो गया। इसका मतलब आपके जीभ के ऊपर नियंत्रण आपका नहीं रहा और किसी का रहा है। वो किसका है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके जीभ पर नियंत्रण ले लिया तब आप जो भाषा नहीं जानता वो भाषा बोलने लगा।
वही है कौन सा? अन्य अन्य भाषा। तो वहां जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरते वक्त आंधी का सा सनसनाहट का शब्द, एक शब्द हुआ, दूसरा भटती हुई जीव दिखाई दिया, और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आए वे सब के सब क्या बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा। अन्य अन्य भाषा मतलब जो भाषा आपको नहीं मालूम, यदि आप वो बोल रहा है वो आपके लिए क्या है? अन्य भाषा है। हेलो, मैं आपके सामने मलयालम बोलूं, आपके लिए क्या है? वो अन्य भाषा है। मेरी बात को समझ रहे? हेलो, भाषा आनंद शेट्टी तेलुगु बोलूं तो मेरे लिए वो क्या है? अन्य भाषा है। जो भाषा मैं नहीं जानता वो भाषा मेरे लिए क्या है? अन्य भाषा। वे लोग कहने लगा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आया तब ये बात वहां हुई। अब वे जो अन्य भाषा बोले हैं वो अन्य भाषा की विशेषता क्या था? वे अनचार चौथा पद में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये भाषा बोलने की सामर्थ्य किसने दिया है? किसने दिया है? पवित्र आत्मा। एक प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, इस बात का प्रकटीकरण है अन्य भाषा। हेलो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने पाया है, इस बात की प्रकटीकरण है कौन सा? अन्य भाषा। ध्यान से सुनिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पवित्र आत्मा हम पर है, यदि आप यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, जब से ग्रहण किया तब से लेकर आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना कर। जब आप यीशु पर विश्वास किया तब आपके अंदर पवित्र आत्मा जो आया, उसके लिए प्रभु आपसे पूछा नहीं, आप प्रभु से भी पूछा नहीं, प्रभु आपसे पूछे भी ना और आप पूछे भी ना, प्रभु ने अपनी आत्मा को आपके अंदर दिया। किस लिए दिया? हेलो, आपको बोले, आपको आप जाने कि मैं परमेश्वर का संतान है, दूसरा परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए है कि हम सामर्थ्य पाए और सामर्थ्य के द्वारा हम मसीह का गवाह बन जाए। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पाया है, इस बात की प्रकटीकरण है कि आप अन्य अन्य भाषा में बोलेगा। अब अन्य भाषा वे लोग जो बोल रहे थे उसकी विशेषता क्या? आगे पढ़िए उसका पांच पद से, दूसरा अध्याय उसका पांच पद से। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही शब्द सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपुदकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। या आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम में अभी कौन सा समय है? हेलो, यरूशलेम में कौन सा समय है? पिंतेकुस्त का पर्व है। पिंतेकुस्त तीन पर्व है जिसमें सारे यहूदियों को आना है, विशेष करके कम से कम यहूदी पुरुष लोग। कौन सा है? फसह का पर्व, दूसरा पिंतेकुस्त का पर्व, तीसरा
झोपड़ी का पर्व, पेंतिकुस का फसह का पर्व के बाद 50वां दिन में होता है कौन सा? पेंतिकुस का जिस पर्व, जिसके कारण फसह का पर्व में आए हुए जो यहूदी बाहर से आए हैं, बाहर से वे लोग पेंतिकुस का पर्व भी समाप्त होने के बाद ही क्या करते हैं? जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में कितना दिन है? 50 दिन। तो वे लोग सब कहां रह रहे हैं? कहां रह रहे हैं? यरूशलेम। और इतना ही नहीं, अन्य प्रदेश में जन्म हुए यहूदी आगे जाकर भक्त यहूदी होने के कारण वे अपने उस जन्म देश को छोड़कर यरूशलेम में आकर रहता भी था, जिसके कारण वे जहां जन्म लिया, पढ़ा लिखा, वहां की भाषा वे जानते हैं, लेकिन अभी कहां रह रहे हैं? यरूशलेम में। तो दोनों ग्रुप के लोग वहां हैं, अन्य प्रांत में जन्म हुआ जिसके कारण वहां की भाषा मालूम, लेकिन अभी आकर यहां रह रहे हैं। उतना ही नहीं, पेंतिकुस का पर्व होने के कारण पृथ्वी भर से जहां कहीं भी यहूदी पाए जाते हैं, वहां से यहूदी वहां उस पर्व मनाने के आए हैं। वे सब के सब ये शब्द सुना, कौन सा शब्द? आंठी का सा सनसनाहट का शब्द। उतना ही नहीं, 120 लोग मिलकर जो भाषा बोल रहे हैं, ये शब्द सुनकर वे सब के सब क्या हो गया? वहां इकट्ठा हुआ। जब इकट्ठा हुआ तब उनको आश्चर्य की बात ये हुई कि ये सब जो बोलने वाले गलीली लोग हैं। गलीली मतलब वहां के रहने वाले। यीशु मसीह का चेहरे यहूदा इस्करियोती को छोड़कर बाकी सब चेहरे कहां का था? गलील का था। गलील और उसके आस पास में रहने वाले लोग हैं। वे लोग कभी विदेश नहीं गए या अन्य प्रांत में नहीं गए, वहां की भाषा उनको नहीं मालूम। लेकिन जब ये सब इकट्ठा हुआ है, एक एक व्यक्ति उनकी भाषा में 120 लोगों में से कुछ लोग बात कर रहे हैं, 120 लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो अलग अलग भाषा जब बोल रहे हैं, उन भाषा जानने वाले लोग वहां था। आगे लूका कम से कम 15 भाषा के बारे में कह रहे, 15 प्रांत में रहने वाले लोग वहां जो भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब 120 लोग मिलकर कम से कम 15 भाषा बोला, उससे ज्यादा होगा 15 भाषा। एक प्रकार से यरूशलेम के आसपास में जितने लोग हैं, जितने प्रांत हैं, उन प्रांत से आए हुए लोग सुन सके, इसलिए उनकी भाषा में पवित्र आत्मा बात करने लगा। यहां तक रोम के रहने वाले भी वहां आया। मैंने कहा रोम उन दिनों में रोम पहुंचा मतलब दुनिया के छोर तक पहुंच गया ऐसा माना जाता था। उसके आगे स्पेन पहुंच गया तो एकदम दुनिया का आखिरी है ऐसा समझा जाता था। तो यह 15 भाषा बोलने वाले लोग ये शब्द सुनकर कह रहे हैं ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं, बल्कि ये लोग है कहां का? हेलो, कहां का? गलील का। ये लोग हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? छठवां पद, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? इसका मतलब जो बोल रहा सब कौन है? गलीली है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं? ये जो भाषा सुन रहे कौन सा? इन लोगों का जन्म कहां हुआ था? वहां की भाषा बोल रहा है। ये सुनकर वे लिखा घबरा भी गया और क्या हो गया? आश्चर्यचकित भी हो गया। क्यों? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पुंदुस और आसिया और फ्रुकिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है। लंबा लिस्ट दे दिया वो, ये सबके देश के रहने वाले वहां हैं।
उसमें एशिया माइनर का एरिया है, जो पंफुलिया फ्रुगिया वो सब एशिया माइनर का एरिया है, उसके बाद अफ्रीका का एरिया है उसमें, उसके बाद रोम का है, क्रेती लोग है, क्रेती मतलब एक एक, एक द्वीप है, वो मेडिटेरेनियन सी में पाए जाने वाले एक द्वीप है ये क्रेत, वहां का रहने वाले, वहां की भाषा अलग अलग है, और ये लोग वहां जन्म लिया था जिसके कारण वे उस भाषा जानते हैं, और ये जो गलील के रहने वाले लोग है हमारी भाषा में बोल रहे हैं, ये सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गया। परंतु अरबी भी है परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तब लोग क्या कह रहा था, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा था, बोलने वाले को नहीं मालूम क्या बोल रहा है, लेकिन सुनने वालों को मालूम हो गया वे लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के बीच में क्या किया है, उसका वर्णन कर रहे हैं वे, जिसके कारण आश्चर्यचकित भी हो गया, आगे लिखा वो घबरा भी गया, क्योंकि अन्य भाषा, याद रखिए अन्य भाषा कोई भी एक भाषा है, विशेष करके अन्य भाषा जो हम बोल रहे हैं पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली शब्द है या भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे मेरी बात, अन्य भाषा पृथ्वी पर किसी न किसी जाति के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, लेकिन केवल पृथ्वी की भाषा नहीं स्वर्ग की भाषा भी हो सकता है, क्योंकि कुरिन्थियों पत्र 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते, यदि कोई मनुष्य स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलो, स्वर्ग दूतों की भाषा मतलब बोलियां मतलब स्वर्ग की भाषा, वो भी बोले, इसका मतलब मनुष्य क्या भी बोल सकता है स्वर्गीय भाषा, इसका मतलब अन्य भाषा पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में उपयोग की जाने वाली भाषा भी हो सकता है और स्वर्गीय भाषा भी हो सकता है। Praise the Lord। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर जब उड़े लेगा तब हम अपनी जुबान का नियंत्रण खो बैठते हैं, और जुबान के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होता है, तब जो शब्द हमारे मुंह से निकलती है वो अन्य अन्य भाषा है। अन्य भाषा क्यों, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसका अर्थ, हमारे लिए वो भाषा अन्य है इसलिए उसको अन्य भाषा कह रहे हैं, लेकिन वो एक भाषा है, वो भाषा का अर्थ भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आज भी ऐसा होता है क्या, आत्मा में होकर अन्य भाषा बोलने वाले याद रखना, आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी कामों की चर्चा कर रहे हैं। हेलो, नहीं समझा, अन्य भाषा जब हम बोल रहे हैं तो हमें जानना है, हम अन्य भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि आपको नहीं मालूम तो अभी आप क्या कह रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। अन्य भाषा आज भी परमेश्वर की आत्मा में लोकर होकर जब वो लोग बोलेंगे, कई बार सामने वाला व्यक्ति जो भाषा बोल रहा है वो अन्य भाषा में लोग बोलते हैं। मैंने कई बार कहा पास्टर साहब का भाई, पास्टर पी एस सामुएल का भाई वारी आप रही होना चाहिए, वो कई भाषाओं में बातें करता था, यद्यपि उनको नहीं मालूम, मलयालम को छोड़कर एक भी भाषा नहीं मालूम, यहां तक अंग्रेजी भी नहीं मालूम उनको, लेकिन एक बार गल्फ से एक अरबी भाषा बोलने वाला केरल में आया, केरल में कुंभनाड कन्वेंशन में भागी होने के लिए आया था, वो एक विश्वासी है, वो गल्फ में रहने वाले एक मलयाली के द्वारा प्रभु में आया था, वो उनको केरल में कुंभनाड कन्वेंशन में लाया, और उसके बाद ये पासवारी आप रेवनाचरण के घर में आया प्रार्थना करने के लिए, उनका घर में हमेशा प्रार्थना हुआ करता था, शादीशुदा था लेकिन बच्चा नहीं था, हमेशा प्रार्थना हुआ करता था, उनके एक कमरा था, वो कमरे में कोने में बैठा रहता था,
लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, उनसे भविष्यवाणी करते थे, चले जाते थे, लंबा लाइन रहता था। लंबा लाइन मतलब वो पूरा कमरा भर जाते हैं, उसके बाद जो बाहर वो लोग बैठा रहेगा, जिसके साथ भविष्यवाणी किया गया उठकर जाएगा, तब अगला पीछे आकर बैठेगा, तब आगे आकर लोग आगे आकर बैठेगा, भविष्यवाणी सुनकर चले जाते थे, सटीक भविष्यवाणी हुआ करता था। पिछले दिन मैंने एक वीडियो सुन रहा था, उनके बारे में एक प्रभु का दास कह रहा था, जब रशिया इस दुनिया में शक्तिशाली देश था, यहां तक अमेरिका भी रशिया से डरने लगा था, ऐसे एक समय था पृथ्वी पर, इतना शक्तिशाली देश था रशिया। उस वक्त आत्मा में होकर वारियाबर योनाचन ने कहा, रशिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, रशिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उन दिनों में कई लोग उसका मजाक उड़ाया, ये क्या कह रहे, रशिया कैसे टुकड़ा होगा, लेकिन आज रशिया है क्या? हेलो, रशिया है, लेकिन पहले का रशिया नहीं है, यूएसएसआर नहीं है, वो क्या हो गया, कई देशों में बट गया। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह भविष्यवाणी करके कहता था, उतना सटीक भविष्यवाणी किया करता था। तो यह अरब से आए हुए व्यक्ति को लेकर यह मलयाली इनके घर आया, वाकर वहां बैठ गया, उनसे उनके प्रार्थना करने लगा, तो वैरियावराजन अन्य भाषा बोलने लगा। अन्य भाषा क्या बोला मालूम है, शुद्ध अरबी भाषा में उनसे भविष्यवाणी कर रहा था। वैरियावराजन को भी नहीं मालूम क्या बोल रहा है, वैरियावराजन उनका हिस्ट्री बताया, वो कैसे प्रभु में आया बोला, वो कहां रह रहे बोला, उसके बाद बोला तू वहां नहीं रहना, वो अमेरिका में जाकर रहना, अमेरिका में कौन सा शहर में कौन सा सिटी में जाकर रहना, वो भी उनको भविष्यवाणी करके कहा, वो भी उनकी भाषा में बोला। बाजू में वो बैठा था, वो मलयाली आश्चर्यचकित हो गया, ये सुनने वाला अरबी भी क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। यह बात पास्टर पी.एस. सामुएल ने कहा है, उसने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वह अरब देश का अरबी वह देश को छोड़कर अमेरिका में जाकर रहा। पाशा पी.एस. सामुएल उस अरब देश में रहे, अमेरिका में रहने वाले उस अरबी का घर में गया है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार कोरिया से पोल योंगिचो को सुनाया ना, कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा चलीसिया का विश्वास पादरी है, कितना विश्वासी है, 18-20 लाख से ज्यादा है उनका चर्च में, आज उससे ज्यादा क्रिश्चियन चर्च लोग हैं। अफ्रीका नाइजीरिया में एक चर्च है, वहां कितना विश्वासी है मालूम, 70 लाख विश्वासी, कितना, संडे में इकट्ठा होता है कितना, 70 लाख। कलीसिया के बीच से रोड है, बीच से क्या है, रोड है, उसमें से बस चलता है, काहे के लिए मालूम, यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाओ बोलने से पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति चंगा हो गया तो उसको स्टेज में लाकर गवाही बोलने के लिए, उसको लाने के लिए बस का सर्विस होता है। पास पीजी वर्गीस उसमें गया, उसने उस बात को कहा, पास एम ए वर्गीस जो बैंगलोर में, उसने स्वयं उससे कहा, वो भी उसमें गया था, वो कार उसके अंदर 10 बैंक है, किसके अंदर, चर्च के अंदर, काय के लिए मालूम, ऑफरिंग गिनने के लिए, 70 लाख लोग। परमेश्वर अफ्रीकन कंट्रीज में बड़ी बेदारी भेज रहा है, जो एक समय अंधकार का भूखंड कहा जाता था, वहां परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। तो ये जो ये बोल योंगिचा का चर्च का एक पादरी में एक लीडर था, वो एक बार केरल आया, वो इनके घर में आया था प्रार्थना करने के लिए, वह आकर बैठा, उनको शुद्ध कोरियन भाषा में उनके लिए भविष्यवाणी किया था, शुद्ध कोरियन भाषा में। प्रेज द लॉर्ड। आज भी अन्य भाषा से परमेश्वर बात करता है, यह रायपुर शहर में भी बात किया है, भाषा का किताब पढ़कर देखना, यह है कि छत्तीसगढ़ी बहन थी, वो बहन का घर के सामने से एक मलयाली पणिक्कर हिंदू वो जा रहा था, वो बहन चटनी पीस रही थी,
ये मलयाली उसके सामने से जा रहा था, ये छत्तीसगढ़ी बहन अन्य भाषा बोलने लगी। कौन सा भाषा मालूम? शुद्ध मलयालम भाषा। शुद्ध मलयालम में पाणिक्यर का सारा इतिहास बता दिया, तू कौन है, तू क्या करता है, सब बता दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएगा तो तू स्वर्ग जाएगा बोला। उसी दिन पाणिक्यर यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाकर इस कलीसिया का मेंबर बना है। यह रायपुर शहर में वही बात है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर की आत्मा काम करता है, आज भी अन्य भाषा में ताकत है। आज भी आत्मा में होकर अन्य भाषा बोले तो सुनने वाले समझ सके, ऐसा परमेश्वर की आत्मा काम भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य भाषा पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक भाषा हो सकती है या स्वर्गीय भाषा भी हो सकता है। जरूर अन्य भाषा में अर्थ है, यद्यपि आप नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों के पत्र में प्रेरित पौलुस अन्य भाषा के बारे में, वरदानों के बारे में जब कह रहे हैं तो अन्य भाषा के बारे में कह रहे हैं। अन्य भाषा में जो बात करते हैं किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हेलो, अन्य भाषा में जो बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? उल्टा बोले, नहीं समझा। अन्य भाषा में जो बात नहीं करता वो परमेश्वर से। आप समझ गए होंगे आप अन्य भाषा बोलना कितना जरूरी है। अन्य भाषा में जो बातें करता किससे बात कर रहे हैं? और उससे आत्म स्वयं अपना आत्मिक उन्नति हो रही है। अन्य भाषा में जब आप बातें कर रहे हैं आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। और आप किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, अच्छा तरीका यही है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाए और अन्य भाषा में बातें करने वाले हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी कलीसिया में आराधना होती है, आखिरी में ड्रम ज्यादा बजाते, जब जोर से बजाते हैं, तब बोलने का नहीं है अन्य भाषा। हेलो, अधिकतर हमारी कलीसियाओं में यह तरीका हो गया, नहीं है क्या? गीत शुरू करेगा धीरे धीरे, आखिर में धीरे गाने का पूरा स्थान सा खत्म होने के बाद ड्रम जोर से बजाएगा तो हम क्या बोलने लगता है, वो नहीं है अन्य भाषा। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा तभी बोलने का नहीं है, चलते फिरते भी अन्य भाषा बोलना है। हालेलुया, क्योंकि अन्य भाषा में हम परमेश्वर से बातें करता है, यह हमारी आदत बनना चाहिए। हेलो हेलो, ये हमारी आदत तो बनना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से बातें करना चाह रहे हैं आप अन्य भाषा में बातें करें। यद्यपि आप उसका अर्थ नहीं समझता है लेकिन आपका वार्तालाप परमेश्वर से हो रहा है, उतना ही नहीं आपकी आत्मिक उन्नति भी हो रहा है। इसलिए हम अन्य भाषा में बातें करने वाले हो जाएं। पौलुस कहते हैं तुम सबसे बढ़कर मैं ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। पौलुस हमेशा बातें करता था, किसमें? अन्य भाषा में। किसी ने किसी कुछ विद्वान का कहना है पौलुस ये कह रहे तुम सबसे बढ़कर, इसका मतलब ये कह रहे तुम, कुछ विद्वान कहता है तुम सब मिलकर जितना अन्य भाषा बोलता है उससे ज्यादा मैं बोलता हूं। कौन बोल रहा है? पौलुस। यदि हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति चाहिए तो हम अन्य भाषा में बातें करने वाले हो जाए। 12वां पद, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे यह क्या हो रहा है। जो भाषा समझ गया वे लोग क्या हो गया? क्या हो गया? चकित हो गया। और आगे क्या लिखा है? घबरा गया। घबराया क्यों? हेलो, पाणिक्यर के बारे में जैसा छत्तीसगढ़ी बहन बोली वैसा इन सब के बारे में क्यों बोल रहा था? कौन बोल रहा था होगा? ये बोल रहे थे ये भाषा बोलने वाले, और परमेश्वर के बड़े बड़े काम के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसके कारण वे चकित हो गया, उतना ही नहीं घबरा भी गया। लेकिन कुछ लोग क्या बोला? कुछ लोग बोला परंतु 13वां पद, परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तो कुछ लोग क्या बोला? ये सब के सब दारू पीकर बैठा है, नए मदिरे के नशे में। देखो ये कौन होगा जो बोला है ये लो दारू पीकर बैठा है? कौन बोला है?
ये गलील के लोग, हेलो, गलीली लोग जो वहां कर रहने वाले हैं, जिनको समझ में नहीं आए ये लोग क्या बोल रहे हैं, वे लोग बोला ये लोग क्या पीकर बैठा है, दारू पीकर बैठा है, नए मदिरे के नशे में। लेकिन जो समझ गया, भाषा समझ गया, वे क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और क्या होने लगा, घबराने लगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वे लोग क्या बोला, ये नए मदिरे के नशे में चूर है, ये दारू पीकर बैठा है। दो ग्रुप है, एक जो समझ गए वो क्या बोल रहे हैं, वे घबराने लगा, आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वे कहने लगे कि वे नए मदिरे के नशे में हैं। आगे पढ़िए 14 पद से, प्रेरितों के काम 2:14 से। या तब पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थार्थ लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। या तब पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, कब, जब भाषा समझ में आए हुए लोग घबराने लगा और आश्चर्यचकित होकर खड़ा है, तो दूसरा एक ग्रुप बोला जिसको समझ में नहीं आया, वो जो स्थानीय लोग हैं, वे लोग कहा ये क्या पीकर बैठा है, दारू पीकर बैठा है, नए मदिरे के नशे में है। तब पतरस खड़ा हो गया, लिखा है पतरस अकेला नहीं, फिर किसके साथ, ग्यारों के साथ। कितने लोग हैं अभी, लोग कितने लोग हैं, हेलो, 120 से ज्यादा है कि नहीं। लेकिन अभी ये 11 लोग खड़े हो, 11 नहीं, पतरस के साथ 11 मतलब 12 लोग। कौन है ये, यीशु मसीह के चेले लोग। ये 12 लोग खड़े होकर बोलने लगा, बोला कौन, पतरस। तो भाई के लिए काय के लिए 11 लोग खड़ा हो गए, हेलो, लिखा है पतरस के साथ 11 लोग क्या हो गया, खड़ा हो गया, बोलने लगा कौन, पतरस, बोलने वाला पतरस हो तो भाई के लिए किस लिए बाकी लोग खड़ा हो गया, हेलो, इसलिए खड़ा हुआ है उन दिनों में ये माइक नहीं था, हेलो, उन दिनों में माइक नहीं था। यहां कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, उद्धार पाया कितना, 3000, प्रचार सुनकर कितना उद्धार पाया, 3000, 3000 उद्धार पाना है तो कितना होना चाहिए, हेलो, कम से कम 10000 तो होगा, आज भी का हिसाब है तो लाखों होना चाहिए। तो मान लो 10000 है तो पत्रस बोलने से पीछे तो पहुंचेगा क्या, नहीं है, इसलिए क्या है 11 लोग बीच बीच में क्या हो गया, खड़ा हो गया, सबसे साफ सबके सामने खड़े होकर कौन बोलने लगा, पत्रस बोलने लगा। जहां तक आवाज पहुंचता है वहां तक अगला व्यक्ति हो सकता है यूहन्ना खड़ा हो गया, पत्रस जो बोल रहा वो सुना, उसके बाद मुड़कर आगे बोला, उसके आगे कौन खड़ा है, याकूब खड़ा है, हेलो, याकूब यूहन्ना जो बोला उसको आगे सुनाया, क्योंकि उन दिनों में क्या नहीं था, इसलिए 11 लोग खड़ा हो गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस खड़े होकर बोलने लगा, पतरस अकेला नहीं बाकी ग्यारह भी क्या हो गया, खड़ा हो गया। इसका मतलब वचन केवल पतरस ही नहीं बोल रहा था, बाकी सबके साथ बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर ऐसा ही है, क्योंकि माइक नहीं है तो 1000 लोगों को सुनाई देता है क्या है? हमारे बीच में थोड़ा माइक चले जाए, ये हॉल के पीछे तक पहुंचना मुश्किल है, ऊपर का छोड़ो। तो 3000 लोग उद्धार पाया, इसका मतलब हजारों लोग वहां है, कम से कम 10000 होगा। उन तक यह पहुंचाने के लिए पतरस के साथ बाकी लोग खड़ा हो गए, और पतरस जो बोला उन बातें अन्य लोग एक बताते गया। अब पतरस क्या बोल रहे हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। कैसे कहने लगा? ऊंचे शब्द से। यद्यपि माइक्रोफोन नहीं है, मेरा विश्वास है प्रभु ने पतरस के गले को माइक्रोफोन बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ताकत आया उसमें, उसका बोलने का शब्द कैसे निकला होगा, माइक्रोफोन के समान निकला होगा, इसलिए कहा ऊंचे शब्द से कहने लगा। क्या बोला? हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या बोला? हे यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों। इसका मतलब ये जो पौलुस जो बोल रहा है किसको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है। कौन से यहूदी को बोल रहा है? जिसने बोला यह सब दारू पीकर बैठा है, बाकी तो समझ गए ये लोग क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा। तो समझ में किसको नहीं आया? यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। वे लोग क्या बोल रहे हैं? वे नए मदीरे के नशे में। इसलिए पतरस ने बोला तुम लोग सुनो। और कैसे सुनना चाहिए? नहीं सुना है क्या? क्या लिखा है? कान लगा कर सुनो। इसका मतलब ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रहा। हे यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, कान लगा कर सुनो, मेरी बातें सुनो। क्या है? जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। तुम लोग कह रहे कि ये लोग नशे में, क्योंकि नशे में है तो अभी वक्त नहीं आया है। क्या कह रहे? अभी दिन पहर ही चढ़ा है। दिन पहर ही चढ़ा मतलब केवल सुबह 9 ही बजा है। ऐसा क्यों बोला पतरस? इसलिए बोला दारू पीने वाला सुबह नहीं पीता, शाम को पीता है। हेलो, रायपुर में भी वैसा है, यरूशलेम में भी वैसा था। पीने वाला कब पीता है? कुछ तो है सुबह सुबह पीने शुरू करता है, उसको छोड़ो। अधिकतर पीता कब है? दिन भर काम कर लिया, बहाना बना देता है, काम करके शरीर में दर्द आ रहा है, वो दूर करने के लिए क्या करना है? दारू पीना। तो पीता कब है? शाम को। इसका मतलब वहां भी पीने वाला कब पीते थे? शाम को। अब पतरस कह रहे हैं पीने का समय नहीं आया, पीने वाला कब पीता है? शाम को पीता। अभी कौन सा है? सुबह पहर ही दिन चढ़ा, इसका मतलब सुबह 9 ही बजा है। ऐसे क्यों बोला? ऑर्थोडॉक्स यहूदी या यहूदी जो धर्म में ज्यादा रुचि रखने वाले भक्त यहूदी लोग हैं, शब्बत के दिन सुबह 9 बजे से पहले ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। केवल शब्बत के दिन ही नहीं, कोई पर्व का दिन में या विशेष कोई हॉलीडे है, कोई छुट्टी का दिन जो यहूदियों के लिए छुट्टी कहा जा रहे हैं, पर्व का दिन, उस दिन भी वे सुबह 9 बजे तक ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। आज कौन सा दिन है? हेलो, ये जो घटना हो रही है ना, कौन सा दिन है? पेंतिकुस्त का पर्व का दिन है। उस दिन 9 बजे से पहले भक्त यहूदी लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। इसलिए पतरस ने कहा अभी
दिन पहर ही चढ़ा है, इसका मतलब दारू पीने का समय नहीं हुआ है। तो फिर ये क्या है? वह कह रहे जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। योबल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 28 पद से लेकर 32 पद तक आत्मा में होकर योएल नबी अंतिम दिनों में जो होगा उसके बारे में भविष्यवाणी किया था, वो बातें वहां लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। 18वां पद, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यद्वाणी करेंगे। योवल नबी के पुस्तक दूसरा अध्याय का 28 पद से लेकर 32 पद तक जो बातें लिखा है वो बातें पत्रस अपने भाषण में बोल रहा है, लेकिन वो उन भाषण में जो बातें कहा, जो भविष्यद्वाणी का शब्द योवेल नबी ने कहा, वो सारी बातें आज तक पूरी नहीं हुई है। योवेल नबी भविष्यद्वाणी के बातें जो कह रहे हैं, जिसका उल्लेख पत्रस जो कह रहे हैं उसमें आधा पूरा हुआ है, आधा पूरा होना बाकी है। पिंतेकुस्त का दिन में जो हुआ था वो क्या था? वो भविष्यद्वक्ता योवेल नबी ने जो कहा पवित्र आत्मा का उंडेले जाने के बारे में वो पूरा हुआ है, लेकिन आगे जो कह रहे अर्थात 19 पद से लेकर 21 पद तक जो कहा है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या है वो? और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 18वां पद तक जो लिखा है वो बातें पिंतेकुस्त के दिन में पूरी हुई है और अभी भी पूरी होते जा रहे हैं। क्या है वो? अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर सब मनुष्यों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और जब आत्मा उंडेला जाएगा तब क्या होंगे? तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरते वक्त लोग अन्य भाषा में बोलेगा वो तो है ही है, लेकिन उतना ही नहीं भविष्यद्वाणी भी होगा। भविष्यद्वाणी कौन कौन करेगा? बेटे और बेटियां भी भविष्यद्वाणी करेगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। पुरनिये मतलब, हेलो, पुरनिये मतलब बुजुर्ग लोग। क्या देखेगा? दर्शन देखेगा। बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेगा और जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा, वे भविष्यद्वाणी करेंगे। हेलो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब लोगों पर उतर आते हैं तब वो कोई भी क्यों ना हो, वो बेटा हो या बेटी हो, वो जवान हो या बुजुर्ग हो या दासों दासी हो, वे सब के सब आत्मा से भर जाएगा। अर्थात पवित्र आत्मा उंडेले जाने में परमेश्वर किसी को देखता नहीं। वो कौन है? जो कोई इच्छा रखते हैं, वो बेटा हो या बेटी हो, वो जवान हो या बुजुर्ग हो, वो दास हो दासी हो, जो कोई इच्छा रखते हैं प्रभु उन्हें अपनी आत्मा से भरता है।
और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएंगे, बेटे और बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरने अर्थात बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। उतना ही नहीं, तिरस्कृत दास और दासी जो किसी के घर में गुलाम के रूप में रह रहे हैं, उन पर भी परमेश्वर की आत्मा उंडेला जाएगा, वे भी भविष्यद्वाणी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। माता पिताओं, हमारी प्रभु से प्रार्थना यह नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा ऊंचे स्थानों पर जाए, जरूर प्रार्थना करें प्रभु अनुग्रह दे, वैसा ही करें, लेकिन प्रभु से यह प्रार्थना करें, मेरा बच्चा इस पृथ्वी पर किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा तो भी मेरा बेटा और मेरी बेटी पवित्र आत्मा से भर जाए और वरदानों से भर जाए और भविष्यद्वाणी करने वाले हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक माता पिता के लिए सबसे अनुग्रहित बात यही है, उनके सामने उनका संदान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। इससे बढ़कर कोई अनुग्रह आपको और मुझको मिलने का नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर की वायदा है ये। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वायदा है, वो हमें भर देगा। यदि प्रभु भर देगा, वायदा किया है, तो हम प्रार्थना करें तो जरूर उसको प्रभु पूरा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे संतानों को, मेरे बेटे और बेटियां, क्यों बेटियां कहा, उन दिनों में बेटियों को यहूदियों के बीच में स्त्रियां बहुत निम्न स्तर का था, श्रापित माना जाता था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में कभी नहीं होगा यह विश्वास किया जाता था। उस वक्त योवेल नबी आत्मा में होकर कह रहे हैं, तुम्हारे बेटे ही नहीं बेटियां भी भविष्यद्वाणी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उतना ही नहीं, दास और दासी भी भविष्यद्वाणी करेंगे। या पूछिए। हाँ हाँ, नहीं है, गलत है वो। वो सही, अंकल सही बोला है। इन दिनों में कई पादरी लोग हैं, पवित्र आत्मा सिखाता है, कुछ लोग भविष्यद्वाणी करना भी सिखाता है। हेलो, तुम में से कई पादरी लोग गया भी होगा भविष्यद्वाणी सीखने के लिए। पवित्र आत्मा किसी के बोलने पर नहीं मिलता, मैंने देखा है हमारे कलीसिया में नहीं, दूसरे जगह पर कुछ लोग जाकर कान में बोलता है, तू ऐसा बोल, ऐसा बोल, मैं जो बोल रहा हूं वैसा बोलो, उसको क्या करो, दोहराओ। वो अन्य भाषा नहीं है, वो पादरी की भाषा है। देसा वचन में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने जैसा सामर्थ्य दिया वैसा बोलने लगा। इसका मतलब अन्य भाषा देता कौन है, परमेश्वर की आत्मा है। बाकी जो बोलकर सिखाकर बोलने के लिए कह रहे हैं वो पूर्णता गलत है, वैसा भविष्यद्वाणी भी। हेलो, भविष्यद्वाणी का क्या होता है, भविष्यद्वाणी सीखने के लिए उसके लिए तर्क क्या देते हैं मालूम, पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के चेले लोग था, भविष्यद्वक्ताओं के चेले लोग क्या कर रहा था, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को भविष्यद्वाणी करना सिखाता था, ऐसा बोलता है। तर्क यही है, नहीं है क्या, एलिया के पास, एलिशा के पास, सबके पास कौन थे, चेले लोग थे। तो चेले लोग गुरु का कर्तव्य चेले को क्या करें, सिखाए। इसका मतलब एलिया अन्य चेलों को जो उनके अधीन में है उनको भविष्यद्वाणी करना क्या कर दिया, सिखाया, ऐसा कह रहा है। बाइबल में नहीं लिखा, उनका कहना है, चेला जरूर था भविष्यद्वक्ताओं का, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को भविष्यद्वाणी करने के लिए सिखाने का काम वो गुरु का नहीं है, वो चेले लोगों को चुना कौन है,
गुरु लोग नहीं चुनता था, परमेश्वर चुनता था। एलिशा के एलिया के बाद एक एलिशा को चुना कौन है? हेलो, कौन चुना? परमेश्वर चुना। परमेश्वर ने बोला इसको चुनो, उसके ऊपर छाप डालो, तब उसको चुन लिया। एलिया किसी को बुलाकर तू जा, आ जाओ मेरे पास, 1000 रुपया भी दे देना, मैं तुमको भविष्यद्वाणी करना सिखाऊंगा। पक्का भविष्यद्वाणी करेगा, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता होगा, बस उतना ही है। हेलो, आजकल भविष्यद्वाणी करना बहुत आसान है। हेलो, आजकल भविष्यद्वाणी करना बहुत आसान है। फेसबुक तो है ना, मैं एक जगह पर गया, एक घर का उद्घाटन का था, मैं वहां बैठा था, आज तक किसी को नहीं बोला मैं। तो वहां एक भविष्यवक्ता आया, तो घर वाले बोला पास्टर साहब उनको थोड़ा समय दे देना। मैंने समय दे दिया उनको, उसको 5 मिनट बोलने के लिए दे दिया। वो बोलते बोलते भविष्यवाणी करने लगा। वो भविष्यवाणी करते करते क्या बोला मालूम? प्रभु के दास के बारे में परमेश्वर की आत्मा मुझे एक तिथि दिखा रहा है, एक तारीख दिखा रहा है, 28 मई महीना 28। हेलो, मई महीना 28 वो मेरा जन्मदिन है। 28/5/1971 मेरा जन्मदिन है। मेरा सर्टिफिकेट में जो जन्मदिन वही है। मेरी आत्मा उसमें गवाही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया, पक्का इसको फेसबुक में मिला है। थॉमस मामन रायपुर को फेसबुक में मेरा डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, लेकिन वो पादरी को नहीं मालूम वो मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हेलो, नहीं समझा? मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मेरा सर्टिफिकेट में जो है वो नहीं है। पब्लिक में बोलना मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये लाइव हो जाएगा। मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मेरा 5 सितंबर है। माँ बाप जब उन दिनों में स्कूल में जब एडमिशन मिलने के लिए एज कम है तो क्या नहीं होता है, इसलिए पिछले दिनों में क्या कर देता है, उन दिनों ऐसा ही होता था। इसलिए मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियली क्या हो गया, 28/5/1971। भविष्यद्वक्ता क्या बोल रहा है, 28/5/28 मई महीना 28 तारीख प्रभु की आत्मा प्रभु के दास के बारे में मुझे दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है ये तो डुप्लीकेट डेट है। और उसके बाद वो घर की जो बहन थी उसके बारे में भी डेट बोला। वो तो बहन बोल रहे वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तब मैं समझ गया पक्का ये डेट ऑफ बर्थ ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। हेलो, ये डेट ऑफ बर्थ कहां मिलेगा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये सब झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हैं। कोई भी भविष्यद्वक्ता दूसरे को भविष्यद्वक्ता को नहीं बना सकता। भविष्यद्वक्ता को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देता है, तब जो भविष्यद्वाणी करेगा ना वह सटीक भविष्यद्वाणी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब परमेश्वर की आत्मा आपसे जब कह रहा है वो कहने में आपको कोई डर भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भविष्यद्वक्ता वारियावर योनाचन वहां एक परिवार प्रार्थना करवाने के लिए आया, कई साल पहले की है, करीब 50 साल के पहले का होगा। एक प्रार्थना करवाने के लिए परिवार के लोग, वो परिवार का मुखिया जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, प्रभु भविष्यद्वक्ता पर विश्वास नहीं करता था। बच्चों के कहने पर आया था,
कार में आया तो कार घर से थोड़ा दूर में रख कर अंदर आया, तो वारियाब रहे अनाचन का पिताजी बोला वह घर थोड़ा घर के सामने लाकर अंदर कर दो ताकि बच्चे लोग उसको में कोई नुकसान ना पहुंचाए। उन दिनों में कार वाला है, बहुत पैसा वाला। तो ये आदमी जो भविष्य पर विश्वास नहीं करता था, मजाक में बोला यदि कार में कुछ नुकसान पहुंचा तो भविष्यदत्ता अंदर बैठा ना भविष्यद्वाणी करके बताएगा। यह सुनने की देरी अंदर बैठा हुआ भविष्यदत्ता बाहर आया, वारियारे वनाचन उसके चेहरे पर देखकर बोला फलाना साल फलाना तारीख फलाना दिन में फलाना समय पर तू अपनी अपनी नौकर को मारा, वो मर गया, तूने दीवाल को खोद कर उसको गाड़ दिया उसको उसमें। मालूम है जो घटना हुई उससे 25 साल पहले हुई घटना था, उसका घर में एक नौकर था, गुस्सा एक मार मार दिया, मार मारने के लिए उसको मार डालने के लिए नहीं किया था, लेकिन एक बार मार दिया वो मर गया। रात का वक्त है, कैसा करे, केवल उनके घर के पत्नी को मालूम है वो मर गया है। उसने क्या किया मालूम, एक दीवार था वो दीवार को रात को ही उसको खोद लिया, उस दीवार में जमीन में नहीं दीवार के अंदर बोरी रखकर मिट्टी रखकर उसको फिर से क्या कर दिया, पोत दिया। 25 साल बाद पहले हुई बातें जो उनको और उनके पत्नी को केवल मालूम था, भविष्यदत्ता तारीख सहित बता दिया। यही है भविष्यवाणी, आत्मा के द्वारा भविष्यदत्ता बनेगा तो ऐसा भविष्यवाणी करेगा, नहीं तो फेसबुक देखता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषित होकर हमारा संदान भविष्यदत्ता ठहरने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु से प्रार्थना करें हमारे बेटे और बेटियां भविष्यद्वाणी करें, हमारे जवान स्वप्न देखें दर्शन देखें, हमारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखें, हमारे दास और दासी भी भविष्यद्वाणी करने वाले बन जाए। या योवेल नबी के द्वारा कही गई ये बात यहां पूरा हुआ, लेकिन आगे जो लिखा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कब पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर पूरा होगा। आकाश में चिन्ह होगा, पृथ्वी पर चिन्ह होगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, नहीं है कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था फोटो सहित, आने वाले दिन में सूर्य क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चांद क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वहां का हीलियम सब खत्म होने वाला है बोलता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, योवेल नबी के द्वारा हजारों साल पहले लिखी गई बात है, आधा पूरा हुआ है तो बाकी भी जरूर पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, अब योवेल नबी ने कहा क्या है, अंतिम दिनों में अंत के दिनों में सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को, अंत का दिन कब है, हेलो, यह अंत का दिन कब है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का है कि नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, योवेल ने भी बोला अंत के दिनों में सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को, आत्मा उंडेला क्या, आत्मा उंडेला क्या, कब उंडेला, पेंतिकोस्त के दिन में, कितना साल हो गया, 2000 साल हो गया है, नहीं समझ रहे है। योवेल ने भी बोला अंत के दिनों में सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आत्मा उंडेला क्या, उंडेला कब उंडेला, 2000 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला। इसका मतलब उस दिन कौन सा दिन था, अंत का दिन था। अंत का दिन यीशु मसीह का दोबारा आगमन का पहले का दिन नहीं है। हेलो, अंत का दिन एक युग है। वह अंत का दिन पवित्र आत्मा के उतरने से आरंभ हुआ और यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक चलता रहेगा। एक प्रकार से हम सबके सब अंतिम युग में जीवित रह रहा है।
2000 साल पहले अंतिम दिन आया है, तो हम अंतिम दिन में नहीं है, हम अंतिम घड़ी में रह रहा है। अंतिम घड़ी भी नहीं, अंतिम मिनट में रह रहे हैं। हेलो, 2000 साल पहले यदि अंत का दिन आरंभ हुआ है, तो अभी अंत का दिन का आखिरी समय है। योवेल नबी के द्वारा कही गई दूसरा भाग पूरा होने का वक्त आ गया है। पिछले बाइबल स्टडी में और संडे आराधना में मैं इस बात को कहा था, प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। यह सारा पृथ्वी एक व्यक्ति के अधीन में होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, वन नेशन वन कार्ड, हर एक 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 ही सब एक एक सब एक इसमें हो रहा है। आगे जाकर वन वर्ल्ड वन कार्ड आएगा। हेलो, एक ही दुनिया, एक ही कार्ड, कार्ड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, सारा कार्ड मनुष्य के माथे पर या हाथों में लगाया जाएगा, लेकिन विशेषता यही है, वह पूरा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम अपने स्वदेश में पहुंचेगा। जब ये सारी बातें पूरी हो रही है, तो याद रखना यीशु का आना बहुत ही निकट है, क्योंकि हम अंतिम दिन के अंतिम समयों में रह रहा है। यदि अंतिम दिन में पूरी होने वाली बातें जो योवेल नबी ने कहा था, उसका पहला भाग पूरा हुआ है, उसकी आत्मा हर व्यक्तियों पर उंडेला गया, दास हो दासी हो, जवान हो बुजुर्ग हो, बेटा हो बेटी हो, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर भविष्यद्वाणी कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है परमेश्वर की वचन पूरा हुआ है। यदि आधा पूरा हुआ है, बाकी आधा भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। अर्थात आकाश और पृथ्वी पर चिन्ह दिखाई देंगे, जो बातें योवेल नबी के द्वारा कही गई वह सारी बातें जरूर पूरा होगा। अंत में वह कह रहे हैं 21वां पद में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाना है तो किसका नाम लेना? प्रभु का नाम। प्रभु कौन है? यीशु नासरी। उसका नाम लेगा, जो उसका नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अंतिम दिन, अंत का दिन जो हम रह रहे हैं ना, वो कौन सा दिन है? अंतिम दिन है, अंतिम युग है। अंतिम युग नहीं है, ये युग कौन सा है? मनुष्य की सृष्टि से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक का सात युग है। सात युग निष्पाप युग से लेकर 1000 साल तक का युग, सात युग। उसमें से सातवां युग है कौन सा? 1000 साल का युग या सहस्त्र वर्ष का युग। उससे पहले का युग है अनुग्रह का युग। यह अनुग्रह के युग कब से लेकर मालूम है? यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक, मृत्यु से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जो समय है उसको कहते हैं कौन सा? अनुग्रह का युग। इसका मतलब हम जिस युग में जीवित रह रहा है, यह युग अनुग्रह का युग है। यह काली युग नहीं है। हेलो, यह कौन सा युग नहीं है? कली युग नहीं है। क्यों कली युग नहीं है? यह अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का युग क्यों? मनुष्य जाति पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुई, ऐसा एक युग कभी नहीं हुआ। मनुष्य के सृष्टि से लेकर अब तक जो समय हुई है, उसमें से सबसे अनुग्रहित युग यह युग है। क्यों? एक व्यक्ति, पापी मनुष्य, अपराधी, जो नरक का लायक है, वो व्यक्ति 5 पैसा खर्चा किए बिना, एक भी कर्म किए बिना, एक व्यक्ति पर विश्वास करने से नरक से बचकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करना, केवल वो विश्वास करने से एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है। ऐसा युग और कभी नहीं हुआ, इसलिए उस युग को क्या कहते हैं?
अनुग्रह का युग, हम अपनी योग्यता के कारण नहीं, हम अपनी अपनी खूबी के कारण नहीं, बल्कि पापी होने के बावजूद, अपराधी होने के बावजूद यीशु पर विश्वास करने के कारण हम नरक के लोग, स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। यह अनुग्रह केवल इस युग में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कलयुग नहीं है, अक्षर अर्थ में अनुग्रह का युग है। लेकिन यह युग ज्यादा दिन नहीं रहेगा, यीशु के आते ही ये युग समाप्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले इस अनुग्रह को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। यह युग समाप्त होने वाला है, यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय के अंतिम घड़ी में नहीं, अंतिम मिनटों में हम रह रहे हैं। इसलिए मैंने कल कहा ज्यादा समय नहीं है। हेलो, ज्यादा समय नहीं है, एक ही काम करना है। कौन सा काम? सुसमाचार का काम। पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा पाया तो क्या करना है? हेलो, पवित्र आत्मा पाया तो क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा देता काय के लिए? यीशु ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम भर आएगा तुम सामर्थ्य पाएगा, सामर्थ्य पाएगा तो तुम मेरा। इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा पाया तो चुपचाप नहीं बैठना, गवाह हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रचार करना, उसके लिए उसने हमें सामर्थ्य दिया है, ताकत दिया है, अभिषेक दिया है। हम इस काम को करने वाले हो जाए, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु के लिए किया ना, उसके लिए क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। कहां मिलेगा? स्वर्ग में। कब मिलेगा? जब यीशु मसीह आएगा। हम कहां पहुंचेगा? स्वर्ग में। 7 साल स्वर्ग में रहते वक्त ये प्रतिफल हमें मिलेगा। कल मैंने कहा था ना, प्रतिफल किस किस चीज के लिए मिलेगा? एक ग्लास ठंडा पानी दिया तो भी क्या मिलेगा? एक ग्लास ठंडा पानी का कीमत कितना है? कुछ नहीं है। कितना ग्लास पानी आप फेंकता है? नहीं है क्या? जो कीमत नहीं है उसको आप प्रभु के लिए दिया है, खर्चा किया है, उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तो कीमती चीजें प्रभु के लिए दिया है, देगा तो कितना अधिक प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक ही जिंदगी है, नहीं है क्या? जिंदगी कितना है? एक ही जिंदगी है। यह जिंदगी प्रभु के लिए हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जवानी के दिनों में 20-25 साल में हर जवान जत्ता है, मैं तो यहां हमेशा रहने के लिए आया। हेलो, जवानी के दिनों में जवान क्या सोचता है? मैं तो हमेशा रहने के लिए आया हूं। 50 साल पार होने के बाद समझ में आता है मेरा लुढ़कने का दिन आया है। प्रेज द लॉर्ड। 50 साल पार होने के बाद यहां वहां दर्द। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तब समझ में आता है क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला। तब तक ग्राफ बढ़ रहा था ऊपर की ओर, समझता था मैं ऐसा ही जाऊंगा, लेकिन 50 पहुंचते ही यहां वहां दर्द होने लगा, थोड़ा सूजन होने लगा, सिर दर्द होने लगा, बीपी आ गया, शुगर आ गया, तब पता चला ग्राफ क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जवानी के दिनों में जब प्रभु सामर्थ्य दिया ना, उसका काम करें, मसीह का काम करें, उसका सुसमाचार का काम करें, क्योंकि दिन बहुत ही कम है जो हमारे सामने रह गया है, क्योंकि प्रभु यीशु शीघ्र आएगा। उसने आपको और मुझको सामर्थ आत्मा का इसलिए दिया है कि हम मसीह का गवाह बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाह बनना मतलब कहीं भी क्या होना चाहिए? आगे हम देखेंगे। पौलुस एक आदमी, बापरे, एक आदमी को मिला तो भी छोड़ता नहीं, एक भीड़ को मिला तो भी नहीं छोड़ता, बंदी गृह में रहे तो भी, मारने के लिए जो आया उनको भी, यही है सुसमाचार का काम। प्रेज द लॉर्ड।
आजकल हर बोल डरता है, नहीं है? पादरियों के अंदर भी क्या है? डर है। क्यों? मार खाएगा क्या? मार मिलेगा क्या? लेकिन पहरे प्रभु के दासों से देखना, मार खाने के लिए जा रहा था। चलो ये लो है ना, पत्रस याकूब बंदी गृह में पकड़ कर डाले तो भी क्या करता था? सुसमाचार, वहां से निकला तो भी सुसमाचार सुन, यही हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब बातें अनुकूल होने के बाद सुसमाचार की सेवा के लिए बैठेगा तो एक शब्द कभी नहीं तू नहीं बोल पाएगा। हेलो, सरकार हमारा आ जाए, हेलो, नियम हमारे अनुकूल में आ जाए, उसके बाद सुसमाचार की सेवा करेगा, मरते तक तू नहीं करेगा। क्योंकि तू मरते तक तेरा सरकार आने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी समय क्यों ना हो, हमारा काम सुसमाचार सुनाना है। मसीह का सुसमाचार दूसरों को सुनाने वाले हो जाए, नाश होने वाली आत्माओं को बचाने वाले हो जाए, उसके लिए उसने अपनी आत्मा से में भर दिया है। हम उसका काम ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि हम अंतिम समयों में पहुंचा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। यह सेशन यहां समाप्त हो जाते हैं, अगले सेशन 6:30 बजे शुरू हो जाएंगे, 6:30 बजे शुरू हो जाएंगे। कृपया